नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदाविस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हम नवी कक्षा यानी नाइन्थ स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में हमने क्या देखा बच्चा? व्याकरण। व्याकरण में क्या देखा था? संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? नाउन। मैं आपको एक लिपि दिखा रही हूँ, देखो बच्चो। हाँ, ये मैंने चलाया था ना पिछले पार्ट में। हाँ, संज्ञा वह शब्द जिसे किसी प्राणी, प्राणी इज अ लिविंग थिंग्स, व्यक्ति इज अ पर्सन, स्थान प्लेस वस्तु के नाम को दर्शित हो, दर्शता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसका उदाहरण है राम, लक्ष्मण, मंदिर, इस प्रकार आपको। अच्छा बच्चों, हम संज्ञा में कितने प्रकार देखा था? पांच प्रकार। वो क्या क्या है? हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में कैसे बोला जाता है देखो बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये पांच प्रकार के हैं। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन में मैंने क्या एग्जाम्पल दिखाया था आपको, याद में है? उदाहरण मैंने दिया था ना बच्चों, ये देखो बच्चों, प्रॉपर नाउन में एक नाम पे आएगा, एक पार्क का नाम आ रहा है और चिप्स, चिप्स का नाम है। चिप्स तो आप सबको पसंद है ना बच्चों। ये व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन में, इसमें उदाहरण मैंने आपको दिया था। अच्छा, जातिवाचक में क्या दिया था? हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में नाम आएगा और सागर का, ये देखो, बीच, अस्पताल, रेलगाड़ी, ये सब कॉमन में आएगा। कलम, टेबल, इस प्रकार मेज, ये सब कॉमन में आने वाला है। अच्छा बच्चों, आप भाववाचक, भाव मीन्स फील से बोलना है, वो कैसे बोलोगे बच्चों? मिठास, वीरता, हंसना, रोना, धैर्य, हाँ, मजबूत, ये सब हमें फील से आने वाला है। इसे हम भाव, इसे अंग्रेजी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखो ऊपर, विजडम, एंगर, ब्रेवरी, ये सब आ जाए। अच्छा बच्चों, द्रव्य में क्या बोलेंगे? मेटीरियल नाउन। इसे क्या क्या देते हैं? ये देखिए बच्चों, ये है द्रव्य, मेटीरियल नाउन। इसमें क्या क्या उदाहरण दिया है? चावल, दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सब मेटीरियल नाउन। इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, लास्ट वन है समूहवाचक, इसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है बच्चों। और इसमें क्या क्या देखो, ये टीम ऑफ सोल्जर्स आ रहे हैं, और ये बंच ऑफ कीज आ रहे हैं, ये टीम ऑफ डक्स आ रहे हैं, और सोल्जर्स आके एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सब ग्रुप में यानी झुंड में आने वाले को हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। ये मैंने पांच उदाहरण इतना अच्छा आपको मैंने क्लिक पिक्चर्स भी दिखा के बोला था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा घर में, असाइनमेंट भी किया होगा। अच्छा बच्चों, मैं अब नए पार्ट में जाने वाली हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों, पार्ट दो पद्य में शुभकामनाएं, शुभकामनाएं का मतलब क्या है? वेल विशिंग, वेल विशिंग एक अच्छा सा एक बोलते। अच्छा, ये कौन लिखा था मालूम? श्री मैत्री शरण लिखा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये देखो, ये आपका किताब है। हाँ, इसमें मैत्री शरण लिखता है और उनके कवि पच्चे के बारे में भी मैं बोलने वाली हूँ। हाँ, अच्छा सा याद में रखो, राष्ट्रकवि श्री मैत्री शरण गुप्ता जी का जन्म झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। झांसी जिला का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है चिर गांव। क्या नाम है? चिर गांव। अब बाबूजी के सच्चे अनुयायी थे। हाँ, वो हमारे महात्मा गांधी के एक अच्छे फॉलोअर, अनुयायी इज ए फॉलोअर थे। और स्वतंत्रता संग्राम के दो दिनों में आपकी कविताएं ने लोगों में देश प्रेम जगाने का महान कार्य है। इन्होंने फ्रीडम में भी शामिल होकर देश प्रेमी, हाँ, ये देश प्रेमी भी थे, हमारे देश के लिए, आजाद के लिए लड़ा था इन्होंने, और सब जगह ये बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे। और जगाने का महान, ये ग्रेट काम मैत्री शरण गुप्ता ने किया था। भारत सरकार ने आपको संसद का सदस्य है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट संसद आपको यानी मैत्री शरण गुप्ता को, उन्होंने पार्लियामेंट में एक मेंबर का अपॉइंटमेंट भी किया और पद्म भूषण अवार्ड भी उन्हें मिला था। उपाधि इज ए अवार्ड। ये देखो, ये क्लिपिंग देख लो अच्छा सा, ये पेज को पूरा लेना है, अच्छा सा ध्यान में देख लो, बहुत पास में लो, ये किताब को पढ़ना भी है आप लोगों को। ये पोएम है, मैं आप चलाऊंगी आपको मीनिंग से पूरा,
याद में रखो बच्चों, भाई त्रिशाला गुप्ता का आप लाइफ स्टाइल आपको बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है। और भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोदा, ये पूरा इनका फेमस पोएम्स है। साकेत इज वन ऑफ द फेमस पोएम और इनके लिए वो पुरस्कार भी मिला, उसका नाम है मंगल, मंगल प्रसाद का एक पुरस्कार भी हमारे मैत्री शरण गुप्ता को मिला था बच्चों। अच्छा इस पोएम में क्या बोला है कवि ने, हमारे देशवासियों को, भारतवासियों का कल्याण अच्छे के लिए रिक्वेस्ट करके भगवान से प्रार्थना किया था और बोल रहे थे कि हे गणेश, हमारे पीपल की उन्नति, उन्नति इज अ हाई लेवल और अवलब, अवलब इज अ सपोर्ट करना है और विज्ञान अगेंस्ट प्रूफ सार्थक बनाना। हाँ हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाना, हमारे पीपल्स को बचाना है, ये हमें प्रूफ से करना पड़ेगा। कितने भी देश लोग हमारे सामने आएंगे तो ब्रिटिश पीपल हम उसका अगेंस्ट करेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था। और सभी सब गुणों प्रदान करें, उन्हें कर्तव्य निष्ठा बनाए, हमारे देश के लोगों को सब काम अच्छा, सदगुण इज अ गुड, गुड कैरेक्टर और कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी डिग्निटी जरूर हर लोगों के लिए रहना चाहिए बच्चों। राष्ट्रीयता की भावना जगाएं, हमारे देश के यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड को जरूर जगाना है। और भाई ऑल आर ब्रदर्स, हाँ फैक्टिनिटी बोला जाता है, कठिनाई में भी अविचल रहने का आत्मबल दीजिए, सत्य, हाँ हमें डिफिकल्ट से भी क्या करना चाहिए, सच्चाई, अविचल मीन सच्चाई करना, हाँ सच्चाई भी उसे लड़कर जीतना चाहिए और आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए और ट्रूथ के साथ हमें पावर के साथ प्रदान करके हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, यही शुभकामनाएं हमारे मैत्री शरण गुप्ता ने बोला है। देख लीजिए बच्चों ये फर्स्ट पैरा उनका कवि परिचय बोले, उन्होंने इस पोए में क्या बोला वो भी मैंने आपको बोल दिया। अब हम दोहे में जाएंगे, पहला लाइन देखो, देखो ये सबकी नसों, नसो इज ए नर्व्स, हमारे नर्व्स के अंदर से ब्लड से हमारे देश की प्रेमी जरूर आना चाहिए, हर इंडियन सिटीजन के लिए ये जरूर रहना चाहिए। नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह है, पूर्वजों फोर फादर, हमारे ताता, हमारे नाना, हमारे परदादा इस प्रकार है ना, वो लोग है, वो लोग भी हमारे देश के लिए हाँ लड़ाई करे होंगे, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे खून में, हमारे ब्लड में रहना चाहिए प्रवाह फ्लू, हमारे नाना हमारे देश के लिए लगा, हम भी वैसे करेंगे, उसी प्रकार हमें उस क्या बोलते हैं उस फील को लेकर आना चाहिए, गुणशील साहस बल तथा सबसे भरा उत्साह, हमारे कैरेक्टर अच्छा रहना, कूलशील बहुत कूल से हमें सबसे बात करना, स्ट्रॉन्ग से रहना, साहस मैंने यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बल साहस ब्रेव और भरा उत्साह, एंथुसियाज्म, मुख्य एंथुसियाज्म हमें रहना चाहिए, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हाँ हमारे इंडियन पीपल्स के अंदर क्या रहना चाहिए, ऑलवेज सिंपति संवेदना और दाह इज टफ मार्क, वो सारो कितना भी सारो रहने पर भी हमें क्या करना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, देश को जीतना चाहिए, कितने नेताओं ने हमारे देश के लिए जान तक सैक्रिफाइस किया ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, इसी प्रकार हमें लड़ना चाहिए, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों ने हमारे देश के लिए अपने जान को कुर्बान किया था, अंत में स्वतंत्रता के लिए हमारे महात्मा गांधी भी जान दिए थे, इसी प्रकार हम लोग भी अपने देश के लिए कोई भी आफत आए तो उसे हम जीतना चाहिए बच्चों, हमको तुम्हारी चाहो उसको तुमको हमारी चाहो, हाँ हम देश को प्यार करेंगे देश हमें प्यार करेगा, यही तो सच है बच्चों, विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग है, ये देखो हमारे देश के क्लिपिंग को देखो कैसे रहना चाहिए, हमारे देश में सारे जगह देखो ये बच्चों ये कैसा है देखो, हाँ सब लोग हाथ मिला के यूनाइटेड से रहना, तभी तो हमारे देश के सब, इंडिया ही बहुत बड़ा देश है और कोई देश यहाँ पे नहीं है, यही तो सच्चे बच्चों, ये देखो बच्चे देखो फ्रीडम की वजह से और कितना हम हाँ यहाँ पे देखो डायनेमिक एंड साइनेटिक ट्रेडिशनल विद मॉडर्निटी यूनिटी इन डायवर्सिटी कैस्ट एंड क्लास इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म स्पिरिचुअल एंड मैच्योरिस्टिक म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस रूलर एंड अग्रेडेंट
पैट्रिक चाहिए। देखो कितना नाम, देखो हमारे देश के लिए कितना यूनाइटेड कैसे रहना चाहिए, इसी प्रकार हमें देना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर देखो कितना सब क्या है, मंदिर है, देखो कितना सब जगह में पूरा हमारा इंडिया के अंदर है। हम लोग डिफरेंट कैस्ट रहने पर भी हम कैसे रहेंगे, ये देखो यूनाइटेड रहेंगे। हाँ हम सब भाई भाई है। अच्छा बच्चों, हाँ विद्या स्टडीज कला कौशल आर्ट एंड टैलेंट, इसे हम स्टडी अटैचमेंट में रहना चाहिए बच्चों। उद्योग का उन्माद हो, प्रोफेशन में मैडनेस आलस्य लेजीनेस अग सी त्याग सैक्रिफाइस, हमें आलस्य काम में नहीं रहना, हार्डवर्क नेवर फेल्स हमेशा बोलते रहते हैं। ये है बच्चों हमारे देश के लिए, हमें इकोनॉमी कितना भी ज्यादा आगे आए तो हमारा देश सबसे आगे बढ़ेगा। सचमुच है बच्चों, सुख और दुख में एक साथ सब भाई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, नष्ट कितना भी तकलीफ हो और कितना भी खुशी हो, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए बच्चों। अंतकर्ण में गूंजता राष्ट्रध्वज का राग हो, फोर साइड्स एकोस गूंजना इज ए एको। हाँ किसके लिए, हमारे राष्ट्रध्वज के लिए, हमारे देश के लिए, चारों ओर भारत माता की जय, इस प्रकार की गूंज उठना चाहिए बच्चों। कठिनाई के माध्यम अत्यावश्यक का उन्मेष हो, हार्ड वर्क डेवलपमेंट। हाँ उन्मेष हार्ड वर्क कभी भी जीतता है, हारता नहीं है बच्चों। तुम लोग भी टेंथ स्टैंडर्ड की स्टडी को बहुत अच्छा पढ़ो बच्चों, हार्ड वर्क नेवर फेल्स है बच्चों। अच्छा बच्चों, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। हाँ लाइफ बहुत सरल, सबल इज अ पावरफुल, मन इज अ प्योर, विमल सविशेष ग्रेटफुलनेस, ये सब हमें रहना चाहिए बच्चों। छूटे कदपि ना सतपथ निज देश की विदेश हो, हम कितने भी फॉरेन कंट्रीज में रहेंगे, जहां भी जाके यर्न करेंगे, लेकिन हमारे भारत को कभी नहीं बोलेंगे। आज देखो कोविड-19 की वजह से हम लोग क्या कर रहे, दूसरे देश से हमारे देश को ही आए, आज हम लोग यहाँ पे रहकर हमारे देश को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारी फैमिली की वजह से, हम लोग तकलीफों की वजह से दूसरे देश में जाकर यर्न करने वाले। हमारे देश में सब कुछ है, प्लीज अभी से हमारे देश को आगे बढ़ा के नौजवानों, तुम लोग हमारे देश को आगे लाओ बच्चों। अखिलेश का आदेश हो, जो बस वही उद्देश्य हो। हाँ यू हैव टू एंटर, तुम्हारा एम कैसा रहना चाहिए। हाँ वेरी डिफरेंट, डिफिकल्ट रहने पर भी कैसा रहना चाहिए, वेरी डिफरेंट रहना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए। कितना भी अच्छा सा ऑर्डर हो, हमारे देश के लिए वो करना है तो जरूर करिए। जब तक रहे ये प्राण, धन में पुण्य की ही पक्ष हो, हमारे लाइफ कितना दिन है किसी को मालूम नहीं, भगवान ही जानता, उतने दिन तक तुम लोग पुण्य पक्ष एफोर्ट डालो, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एफोर्ट डालो, पढ़ाई हो, काम हो, कुछ भी हो। कर्तव्य एक ना एक पवन नित्य नेत्र समक्ष हो, होली ऑलवेज चैरियट ऑफ। हाँ समक्ष इज अ पास है ना, चैरियट नेवर, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि ना वश हो, हमारा हाथ में डिफरेंट पर हैव, संपत्ति इज अ प्रॉपर्टी, विपत्ति इज अ आफत, कोई भी रहने से भी हमें क्या करना चाहिए, हाँ डिफिकल्ट को मोड़कर, प्रॉपर्टी को मोड़कर, हमें उससे जिंदगी नहीं बढ़ता। हमारे देश को देखो, हमारे देश को आगे बढ़ाओ नौजवानों, कितने नौजवान बेकार हो रहे हैं आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं बच्चों। बच्चों तुम लोग भी ऐसे मत, हमारे देश के आगे जाओ, हमारे देश की ओर देखो बच्चों। पीछे पुराने जमाने में लोग हमारे देश के लिए लड़कर एक अच्छा सा स्वतंत्रता लेकर, आज स्वतंत्र रहने पर भी कोई भी हम लोग स्वतंत्र की छाया में नहीं है। हाँ वो शेडो हमारे पास नहीं है, क्योंकि आजकल कितने तकलीफों को हम लोग सह रहे हैं, ये तो सच्चाई है। सो पुराने जमाने को याद करके आजकल के नौजवान हमारे देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नए काम है, वो सबको सोच के काम करिए बच्चों। धन्यवाद।